नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्वांचल के कद्दावर नेता पांच बार के विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जनपद के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया गया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता को अंतिम विदाई देते हुए आखिरी बार मुख्तार अंसारी के मूंछों को वैसे ही ताव दिया जिसके लिए मुख्तार अंसारी को जाना जाता था। मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक मऊ के अंतिम दर्शन के लिए उनके जनाजा में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गरीबों के मसीहा मुख्तार अंसारी का आखिरी दीदार करने के लिए महिलाएं घरों के छतों पर चढ़ी रहीं, सभी की आंखें नम थी। यूपी के मऊ जनपद सदर सीट से पांच बार के पूर्व विधायक, गरीब, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, बुनकरों की आवाज, गरीबों के मसीहा, पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता मुख्तार अंसारी का नमाजे जनाजा 30 मार्च की सुबह 10 बजे गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में अदा की गई। गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किए गए पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने अपने अब्बा मुख्तार अंसारी की मगफिरत के लिए लोगों से दुआ की गुजारिश की। इस मौके पर मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी, भाई गाजीपुर जनपद से सांसद अफजाल अंसारी, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक सिब्बतुल्लाह अंसारी, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के युवा विधायक मन्नू अंसारी, तमाम बड़ी शख्सियत, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। जिले के सपा, बसपा, कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेतागण मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए शमीम अंसारी की। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।